बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं जी तुहाडे सारिआं दे? ठीक हो जी? मेरे साथ तो बस यही मसला चल रहा है, गले वाला बुखार है, उसके साथ गला ख़राब है। तो बस इस वजह से मैं वॉइस ओवर नहीं कर सकी, हालांकि वीडियो मेरे पास, मैं डेली जो काम करती हूँ बना लेती हूँ, लेकिन वो बोलने की वजह से, क्योंकि वो फिर आपको सुनने में थोड़ी अच्छा ना लगता, इस वजह से मैंने वॉइस ओवर नहीं किया, वीडियो भी नहीं बना पाई। तो अभी मैं बना रही थी खाना, और खाने में मैं आज बनाऊंगी सागुदाने वाला कस्टर्ड, और उसके साथ मैं एक फरमाइशी डिश बना रही हूँ। तो वो मैं जैसे ही उसकी प्रिपरेशन शुरू करती हूँ तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। फ़िलहाल यहाँ पे मैं कस्टर्ड बना रही थी, क्योंकि अम्मी आई हुई हैं, अम्मी की भी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, तो फिर मैंने कम मीठे वाला ना उन्हें कस्टर्ड बना के दिया, क्योंकि उनके भी मुंह का मसला था, वो मिर्चें नहीं खा पा रही थी। तो मैंने कहा चलो ये बना देती हूँ, इससे आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। तो चीनी मैंने इसमें बहुत ही कम डाली है, बहुत ही कम, ज़्यादातर दूध, क्योंकि दूध ऑलरेडी मीठा होता है, तो चीनी इस वजह से कम डाली है। बनाना कस्टर्ड मैं आज बनाऊंगी, और उसके लिए मैंने कस्टर्ड बनाना निकाला है, और साथ में मैंने पहले सागुदाना भी वॉश करके उसे भी बॉयल कर लूँगी। अच्छा, मैं कस्टर्ड तो बना रही थी, साथ में मेरा दिल था फातिमा के लिए कि मैं जेली बना लूँ। मेरे ख्याल में ये वाला जो जेली पाउडर है, मैं रिसेंटली लाई थी, पता नहीं शायद भूलती हूँ या पहले वाला है। तो मैंने जैसे जेली रखी है ना, वैसे वो जमी नहीं है, वो बर्फ़ हो गई है। तो वो पता नहीं, पिछली बार भी मैंने जेली ट्राई की थी, मुझसे नहीं बनी थी। असल में मीठा मैं बहुत ही कम बनाती हूँ, तो जो चीज़ बहुत ही कम बनाते हैं वो फिर मुझे भूल जाती है, बल्कि मेरा हाफ़सा तो इतना कमज़ोर है, कोई बातें मुझे बहुत याद रहती हैं और कुछ बातें मुझे भूल जाती हैं। तो इस वजह से फिर मैंने आज भी बनाई तो वो ठीक नहीं बनी। खैर, एक दो दफ़ा और ट्राई करूँगी तो इंशाल्लाह लग जाएगी। तो अभी कस्टर्ड बन गया था, इसमें मैंने डाल दिया था सागुदाना जो मैंने अलग से बॉयल किया था, वो डाल दिया था। कंटिन्यूसली इसे चलाते रहना, क्योंकि फिर बहुत ही जल्दी गुठली बन जाती है। तो लाइट भी यहाँ पे चली गई थी, कुछ बचा था कंडेंस मिल्क, वो भी मैं साथ में इसमें डाल रही हूँ। तो बस अभी इसे मिक्स करके ना ठंडा करने के लिए रख दूँगी, थोड़ा सा गरम गरम निकालूँगी। अच्छा, मुझे गरम कस्टर्ड पसंद है, और ठंडा मुझे बहुत ही कम, लेकिन गरम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अम्मी को भी मैंने गरम वाला ही निकाल के दिया था। चीनी मैंने इसमें बिल्कुल नहीं डाली थी, कंडेंस मिल्क और दूसरी चीज़ें डाली थी। थोड़ी सी मैं इसमें डालूँगी अंगूर, और बनाना एप्पल वगैरह कुछ भी नहीं डालूँगी, क्योंकि एप्पल भी पानी छोड़ता है तो कस्टर्ड ख़राब हो जाता है, या तो उसी टाइम आपने खाना हो तो तब इसमें मिक्स कर ले, लेकिन वैसे मैं नहीं डालूँगी। तो मेरा कस्टर्ड हो गया है तैयार, और अभी जो है ना मेरे साथ एक और मसला हो गया है, कि जैसे ही मैं दूसरी मैंने आपको बताया कि एक स्पेशल रेसिपी ट्राई करने वाली हूँ, तो उसको मैं ट्राई करने लगी, मतलब उसकी तैयारी करने लगी, तो सिलेंडर जवाब दे दिया। मेरे महीने का सिलेंडर इस्तेमाल होता है तकरीबन, मैं ये जो बड़े वाला सिलेंडर है मैंने एक ही अभी लिया हुआ है, दूसरा मैंने लिया ही नहीं है। तो बस यही होता है कि जब आप न्यू घर में शिफ्ट होते हैं तो और बहुत से काम निकल आते हैं जो आपको करने होते हैं। तो बस स्टेप बाय स्टेप पूरी लाइफ है सेटल होने के लिए, तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है। सिलेंडर भरने के लिए मैंने भिजवा दिया था, और अभी मैं करूँगी अपने ड्राइंग रूम की सफाई। यहाँ ये ड्राइंग रूम है, ये वाला ये मेरा ड्राइंग रूम है, और पंखा ये मैंने दो दफ़ा सेट कराया है लेकिन अभी भी नहीं चल रहा, क्योंकि इन्वर्टर पंखे प्रवास के मैंने लगाए हैं, बिल्कुल पंखे अच्छे नहीं लगे, इतना तंग कर रहे हैं, मतलब ये दूसरी दफ़ा सेट हो चुके फिर भी ये सेट नहीं हुआ। तो पर्दे यहाँ से हटा लेते हैं, थोड़ी धूप आती है, जब थोड़ी धूप चाहिए होती है तो पर्दे हटा लेती हूँ यहाँ से ना। ये देखिए यहाँ पे ये वॉशिंग एरिया है बाहर का, तो यहाँ पे क्योंकि काफ़ी धूप आती है तो मैं फिर पर्दे यहाँ पे देख के ही रखती हूँ। तो ड्राइंग पत्थर, चलो यहाँ पे फिर आज ड्राइंग रूम की तरह सफाई करते हैं, क्योंकि काफ़ी जो है ना मुझे लग रहा है कि थोड़ा इसकी सफाई बनती है। तो फिलहाल इस कॉर्नर में रखी थी,
तो जो मैं लाई थी जी अपनी डाइनिंग टेबल पिछले घर से लाई थी ना, तो वो थोड़ी सी जो है ना ख़राब थी। मैं चाह रही थी कि इसे वहीं से सेट करा लेती या चेंज करा लेती, लेकिन सामान दूसरा आया तो ये फिर मेरे हस्बैंड साथ ही लेके आ गए थे। खैर अभी मैंने फ़िलहाल इसे यहाँ पे इस कॉर्नर में रख दिया था, कुछ एक्स्ट्रा सामान था जो वहाँ से मैंने हटा के इधर रख दिया था। असल में फ़ातिमा की बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो वो फजूल ले लेती है, तो इस वजह से काफ़ी फिर मैस होता है मुझे, फिर कुछ दिन बाद दोबारा उसे सेट करना पड़ता है। चेयर्स लेके आई थी तो चेयर्स का कुछ ये हाल था, क्योंकि वहाँ पे चेयर्स रखी थी बरामदे में, और बरामदे में आपको पता है बिल्लियाँ होती हैं, तो वो बिल्लियों ने पंजे मार 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 के ना मेरी चेयर्स का हाल कर दिया था। मैंने खैर ये आई हैं तो इन्हें वॉश किए, वॉश करके भी रख दिए, और इनको पोशिश की शदीद ज़रूरत है। फ़िलहाल अपना मिनी डिस्पेंसर भी मैंने इधर रख दिया था, क्योंकि गर्मी है तो ये यूज़ में नहीं आ रहा था, तो मैंने इस साइड पे कर दिया था। बाकी नीचे मैंने एक कारपेट भी छाया हुआ है, बाकी सारा मेरा ड्राइंग रूम खाली है और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे जो सिलेंडर है वो फुल हो के आ गया था, तो मैं फिर यहाँ पे बस इसे फिल किया हुआ। सिलेंडर काफ़ी हैवी होता है, ये वाली जगह मैंने साफ़ की है, नीचे काफ़ी सिलेंडर के इर्द गिर्द ना मिट्टी और गंद रुका होता है, तो मैंने उसको साफ़ किया। पिछली दफ़ा मैं नीचे टाइल रखना भूल गई थी, टाइल पे सिलेंडर का निशान हो गया, तो मैं अक्सर यहाँ पर बड़ी वाली टाइल रख देती हूँ जिससे फ़र्श पर निशान नहीं पड़ता। तो बस थोड़ी सी भी अगर घर में, घर एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप जिस जगह को थोड़ी सी भी इग्नोर करेंगे ना, तो वो ख़राब से ख़राब तर होती चले जाएगी। तो घर के हर एक कोने में आपको 24 घंटे नज़र रखनी पड़ती है, फिरना पड़ता है, घर का एक एक कोना देखना पड़ता है, कहीं पे भी थोड़ी सी भी चीज़ें मैस होना स्टार्ट होती ना, बस वो फिर होती चली जाती हैं, वो फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। तो बस यहाँ पे मैंने वॉशिंग एरिया में जो मेरे किचन के बिल्कुल साथ लगता है, यहाँ पे मैंने सेट किया हुआ है। अब सिलेंडर आ गया फुल हो के, तो बस मेरा अब मैं रिलैक्स हूँ, आराम से इस्तेमाल कर सकूँगी, और वॉशिंग एरिया में जो बर्तन मैंने धोए थे वो भी अब उठा लूँगी, तो उन सारे बर्तनों को अंदर ले जाती हूँ, बस इस तरह करके काम स्टार्ट करते हैं। इस वाले वॉशिंग एरिया में मुझे इतना मज़ा आता है काम करने में, मतलब खुल के बर्तन धोएं, कपड़े धोएं, सफाई करें, सारा यहीं पे टाके वगैरह धो के तो फर्श पे लगवा लेती हूँ, तो ज़्यादातर यहीं पे ही मेरा टाइम गुजरता है, क्योंकि पानी वाला एरिया है और किचन के बिल्कुल साथ है। किचन में बहुत ही कम मैं किचन वाला सिंक इस्तेमाल करती हूँ, ज़्यादातर यही बाहर वाला जो वॉशिंग एरिया वाला सिंक है यही ज़्यादा मैं इस्तेमाल करती हूँ। अच्छा जी, अभी आती हूँ मैं अपनी मेन रेसिपी की तरफ, और ये मेरी फरमाइश ही है, मतलब जिस जिसने भी ये मेरा चिकन मंदी कह लें, तो ये चिकन मंदी मैंने जिस जिस को भी खिलाई है ना, उन्होंने इतनी तारीफ़ की है और दोबारा दोबारा मुझसे फरमाइश करके बनवाई है। फ़िलहाल ये आज भी दोबारा फरमाइश पे ही बन रही थी, और यहाँ पे मैंने निकाला था होल चिकन, और होल चिकन को वॉश करके उसके बाद सबसे पहले मैं इसे मैरिनेट कर लूँगी। और यहाँ पे मैंने होल चिकन वॉश कर लिया है, इसमें पानी डाल दिया है, सिरका और नमक में डुबो के रख दूँगी। फ़िलहाल इसकी मैरिनेशन की तैयारी कर लेती हूँ। एक ले लिया है बॉल, उसमें मैंने डाल दी है दही,
और दही डाल के फिर मैं इसमें डाल दूंगी सारे ड्राई मसाले, नमक डालूंगी, मिर्चें डालूंगी, मैं आपके सामने डालूंगी जो भी जितनी भी मैरिनेशन होगी। ये एक है होल चिकन की है, मैं होल चिकन हमेशा छोटे वाला लेती हूँ क्योंकि उसमें मसाला बहुत अच्छा बनता है और वो बनता बड़ा मज़े का है। तो सबसे पहले मैंने इसमें नमक डाला है, 2 चम्मच इसमें लाल मिर्चें डाली हैं, धनिया पाउडर डाला है, साथ में मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर डाला है, 1/2 चम्मच ज़ीरा पाउडर डाला है, और इसमें मैं मस्टर्ड सॉस डालूंगी, सोया सॉस डालूंगी, ये तकरीबन एक 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 चम्मच आप कर लें। 1 चम्मच इसमें चिली सॉस डाला है, 1 चम्मच इसमें सोया सॉस डाला है, और 1 ही चम्मच मैं इसमें मस्टर्ड सॉस का डालूंगी। इसका बड़ा अच्छा मस्टर्ड सॉस का बड़ा अच्छा टेस्ट आता है, ऐसे बारबेक्यू वाला होता है। तो ये हो भी सही तो ठीक है, ना भी तो कोई मसला नहीं है इतना। तो 1 चम्मच इसका डाल दूँगी, 1 ही चम्मच मैं इसमें भर के डालूँगी गरम मसाला पाउडर, और दूसरा मैं इसमें तिक्का मसाला भी ज़रूर डालूंगी क्योंकि असल मसाला उसी का होगा, असल टेस्ट उसी का होगा। हल्दी डाल के मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। और यहाँ पे सबसे लास्ट में मैं डालूंगी जी तिक्का मसाला। तिक्का मसाला तकरीबन 1/2 पैकेट मेरे पास रखे हैं और वो मैं सारा डाल दूंगी क्योंकि आज वाली मैरिनेशन में आपने नोट भी किया होगा लीमू नहीं है, लीमू आजकल अच्छे आ नहीं रहे, उनमें बिल्कुल रस नहीं है। लीमू के बजाय मैंने ज़्यादातर चाट मसाला, दही और मतलब और खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल कर लिया, तो वो लीमू नहीं किया। तो फिलहाल इसे चाट मसाला डाल के अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। चाट मसाला और तिक्का मसाला ये मैंने एंड में डाला है। अच्छा, यहाँ पे आप मैरिनेशन चख भी सकते हैं, उस हिसाब से नमक मिर्च पूरा कर लें। चलिए जी, अभी मैरिनेशन हो गई है इसकी मुकम्मल और मैंने निकाल लिया है चिकन। चिकन को मैं कट लगाऊंगी, कट लगा के तो मैं जल्दी से इसमें मसाला पोर कर देती हूँ। इसमें सारा मसाला जाएगा और मसाला जितना भी हो डरे नहीं, सारा आप डाल दें क्योंकि ये सिर्फ दही की वजह से ज़्यादा हो गया, क्योंकि दही जैसे ही ड्राई होगा ना तो मसाला फ़ौरन से ड्राई हो जाएगा और वो जब चिकन स्टीम होगा इसको फिर चिपक जाएगा। सारा मैंने इस पर पोर कर दिया है मसाला। चिकन को पूरा मसाला मैंने लगा के रख दिया। अब इसमें डालेंगे कुछ सब्जियां। सब्जियों में मैं डालूंगी प्याज, टमाटर और सब्ज़ मिर्चें। इनको मैं बारीक काट लेती हूँ। एक आप बड़ा प्याज ले लें, एक बड़े आजकल बड़े अच्छे बड़े बड़े टमाटर हैं, एक वो ले लें, 2-3 सब्ज़ मिर्चें ले लें। अच्छा, यहाँ पे मैं एक मेन इंग्रेडिएंट भूल गई हूँ, मुझे मिस हो गया, मुझे अभी याद आया, शुक्र है कि मुझे अभी आया, लहसुन अदरक का पेस्ट। ना वो मैंने चिकन में इस्तेमाल किया है ना इन सब्जियों में। खैर, अभी इसमें मैंने डाल दिया है और चिकन में भी मैंने अभी डाल के फिर उसका मसाज कर लिया। इसको तकरीबन मैं मतलब जितनी देर में दूसरे काम करती हूँ उसे तकरीबन 1 घंटा 2 घंटा होल नाइट जिस तरह भी सब्जियों को सारा मसाला कोट करके ना बिल्कुल अच्छे से मसल के, तो मैंने वो बिल्कुल चिकन का जो अंदर वाला पोर्शन है वो सारा फिल कर दें। जितनी भी सब्ज़ी होंगी इसकी एक तो खुशबू बहुत अच्छी आती है चिकन में और दूसरा इसका मसाला बहुत अच्छा बनता है। चावल हम इसके साथ बिल्कुल प्लेन राइस देंगे तो फिर वो उसके साथ जब मसाला एडजस्ट होगा ना बन के तो वो बड़ा मज़े का लगता है। तो इस तरह आपको चिकन भी अंदर से रूखा फीका नहीं लगेगा। अक्सर ऐसे लोग चिकन बनाते हैं तो उसमें अंदर वाले पार्ट बिल्कुल फीके होते हैं, उनमें कोई टेस्ट नहीं, तो वो एंड में ऐसे रखे होते हैं। लेकिन इस तरह बनाएंगे आपका कभी भी चिकन का अंदर वाला पार्ट रूखा फीका बदमज़ा नहीं होगा। इसको फ़िलहाल मैं छोड़ देती हूँ क्लिंक लगा के, तो चावलों की तैयारी कर लूँ, उसके बाद मैं इसको पकाने की तैयारी करूँगी। चावल मैंने 2 कप निकाले हैं, 2 कप के हिसाब मेरा बिल्कुल ठीक जा बैठता है। और यहाँ पे मैं अभी चिकन स्टीम करने की तैयारी कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने इसमें डाल दिया स्टील वाले बर्तन में थोड़ा सा पानी, इससे ये बिल्कुल नॉन स्टिक हो जाता है। और उसमें हल्का सा मैं ऑयल डालूंगी ताकि चिकन हमारा बिल्कुल जाके चिपक ना जाए और नीचे से काला ना हो जाए। देते हैं ओपन और ये देखें ठीक हो गया। अब इसे उठा के ना मैं इसे बड़े आराम से रखूँगी इधर। देखिए मैंने बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डाला है, पानी डाला है, ये देखिए इसको ऐसे उठा के रखना आराम से।
इसको वैसे मैं इधर बांध देती ना तो ज़्यादा अच्छा था ना। स्टीम को रोकने के लिए मैंने थोड़ा सा ये इसमें पेपर लगाया है, और ये देखिए ये हो रहा है। बस ये चिकन को मैंने यहाँ पे स्टीम करने के लिए रख दिए कवर करके, और क्योंकि पूरा चिकन होता है और उसको स्टीम की ज़रूरत होती है उसने गलने, क्योंकि इसके अलावा इसका और कोई प्रोसेस नहीं है, और उसके अंदर सब्जियां जो हैं वो भी गलेंगी। तो अम्मी के साथ बस बातें लगी रहती हूँ, अम्मी नमाज़ की तैयारी कर रही थी, और यहाँ पे मैं अभी चिकन को टर्न करूँगी क्योंकि ये एक साइड से फिर ज़्यादा नीचे लगने न लग जाए, जल ना जाए, और इसकी नीचे वाला जो ऊपर वाला हिस्सा वो भी पक जाए। तो यहाँ पे कुछ बादाम और काजू निकाल के वो भी मैं रोस्ट कर लूँगी, और उसके बाद थोड़ी सी कैरेट बारीक कटी हुई वो भी रोस्ट कर लूँगी, क्योंकि जो चिकन की ऊपर वाली जो एंड वाली डेकोरेशन है, गार्निशिंग कह लें, तो वो फिर उसको मैं तैयार कर रही हूँ। थोड़े से मैंने काजू लिए हैं, बादाम लिए हैं, किशमिश लिए हैं, इनको रोस्ट कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे नट्स हो गए थे फ्राई, उनको मैंने निकाल लिया था। उसके बाद जी लंबी लंबी कटी हुई थी गाजरें पतली पतली, उसमें मैंने एक चम्मच डाला है चीनी का, और पानी कोई नहीं डालना, बस ये गाजरें अपना पानी छोड़ेंगी और उसी में हल्की सी स्वीट सी गाजरें हो जाएंगी। बाद में सब कुछ मैंने मिक्स कर दिया था, नट्स भी और गाजरें भी, बस इनको बस हल्का सा ऐसे टॉस करना है और साइड पे कर देंगे। कढ़ाई मैंने निकाल ली है चावलों के लिए, यहाँ पे हो रहा है चिकन स्टीम, चिकन स्टीम हो रहा है। यहाँ पे करूँगी राइस की तैयारी, और यहाँ पे हम कर लेंगे जी चावलों की तैयारी। उसके लिए मैंने अपनी प्यारी सी कढ़ाई निकाल ली है, और बस मैं इसमें डाल दूँगी दो बड़ा मसाला, खड़ा गर्म मसाला में तेज़पात डाल दें, थोड़ा सा जीरा, दालचीनी, लौंग, एक इलायची, थोड़ी सी मैं लौंगे, और ये मैंने इसमें डाल दी जी थोड़ी सी कढ़ाई, पूरा गर्म मसाला डाल, इसमें डाल देंगे प्याज, तो बस इसमें डाल देते हैं प्याज। प्याज हमारे जैसे हल्के से लाइट ब्राउन होंगे हमने इसमें डाल देना है लहसुन अदरक का पेस्ट, बस लहसुन अदरक का पेस्ट भी इतना ज़्यादा नहीं पकाना, बस जैसे हल्का सा बस ये थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे तो हम इसमें डाल देंगे पानी, पानी डाल के चावलों वाला पानी डाल देंगे। बस इसमें नमक पूरा होना चाहिए, बाकी मिर्चें चावलों में मैं किसी किस्म की इस्तेमाल नहीं कर रही, और कुछ भी मैंने नहीं डालना, टमाटर वगैरह भी कुछ नहीं डालने, सिंपल बस यही इसका तड़का तैयार करना है और पानी डाल के चावल डाल देंगे। पानी डाल दिए, उसके बाद चावल डाल दूंगी, क्योंकि इस कढ़ाई में स्टीम बहुत जल्दी आती है और बहुत तेज़ स्टीम आती है, मतलब इतनी जल्दी खाना पक जाता है। और इसमें मैं जो इसका लकड़ी वाला है ढक्कन वही दे दूंगी, क्योंकि बस यही ध्यान रखना है कि जो इसका लकड़ी वाला ढक्कन देना है तो नीचे आँच तेज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर आग लगने का ख़तरा है। तो देखें चावल हमारे पक गए हैं, पानी यहाँ पे बिल्कुल ड्राई हो गया है, बस अभी मैं इसी ढक्कन से इसे दम में दे दूंगी, मज़ीद कपड़ा या फॉइल लगाने के लिए। हमारा हो गया है चिकन वाला मसाला रेडी, और बस अभी इसे डिश आउट करना है, और यहाँ पे खोलते हैं हम दम। ये देखिए ये हमारे चावलों को दम निकल आया है, क्या खुशबू है, ये देखिए ये चावल है, बस अभी इसको डिश आउट करते हैं। अभी हो गई है जी फाइनल, मेरी बिल्कुल फाइनल रेसिपी हो गई है दम में, अभी चावलों को निकाल रही हूँ। इसे इतना अच्छा दम आया था ना, मैंने कुछ भी नहीं किया था, बस यही ढक्कन दे दिया था, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि बहुत ही अच्छा इसका स्टीम है, मतलब बहुत ही अच्छा स्टीम है इस कढ़ाई का। तो मैंने जो मसाला है देखिए, मैंने चिकन गल गया था वो मैंने निकाल लिया, मसाला जो है अब उसको मैंने ड्राई करना है, क्योंकि वो थोड़ा सा मैं चेक कर लूँगी, अगर ज़्यादा हो तो ठीक है, अदरवाइज़ पूरा मसाला थोड़ा सा हल्का सा ऊपर डाल के तो चावलों को हम कवर कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने चावल, ये रेसिपी मैंने जिनके लिए बनाई थी मैंने आपको पहले बताया कि मैंने उनकी डिमांड पे बनाई थी, मतलब फरमाइश पे बनाई थी, तो मैंने ये वहीं भेजनी थी, फ़िलहाल और कोई मेरे पास नहीं था, तो मैंने बड़ा तसला ले लिए क्योंकि ये चीज़ बस इसी में ही फिट आती। तो मैंने इसे नीचे फॉइल लगा ली, अब इसके मैं ऊपर फॉइल लगाऊँगी। और यहाँ पे सबसे पहले मैंने चावल निकाल के उस तसले में पहले चावल रखे हैं, उसके बाद मैंने चिकन रख दिया है, जो ड्राई मसाला मैंने जो इसका निकाला था चिकन का,
तो वो मैंने रख दिए। बस ऊपर से जो नट्स हैं वो मैं इसके ऊपर डाल दूंगी। मसाला जो ड्राई किया था वो आपने हाथ रोके, मतलब जितना आपको चाहिए, ये नहीं कि आप सारा डाल दें, बस थोड़ा सा उस पर डाल दें, ज़्यादा मसाले वाले भी ना हों और ज़्यादा फीके भी ना हों। बस इसे जल्दी से ऊपर से सारा कवर कर दूंगी ताकि जहाँ जाना है वहाँ गर्म ही पहुँचे। और मेरी आज की वीडियो भी यहीं तक है, इंशाल्लाह जी नेक्स्ट में वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। और प्लीज़ ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, ख़ास तौर पे दावतों में, किसी के घर जाना है तो उनके लिए बना के जाएँ, कोई आपके लिए स्पेशल है तो उसके लिए बना लें और ख़ुद भी खाएं, अपने घर वालों को इंजॉय कराएं। तो मेरी आज की वीडियो यहीं तक है, इंशाल्लाह जी नेक्स्ट में जल्दी मिलेंगे। वीडियो मेरी पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।